अस्सलामु अलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त सच्ची कहानी है जो मुझे मंडी भाउद्दीन से भेजी गई है। लेकिन इससे पहले ये खौफनाक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक सिलसिला MMTV की फैमिली का जो कहानी की सूरत में मैंने इस तरह एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है कि ये हमारी फैमिली बढ़ती जाए और लोग भी कहानी को सुन के अपने उस वक्त को यादगार और ख़ूबसूरत बना सकें। क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक मुझे मिलता है तो यकीन मानिए बेइंतहा खुशी होती है कि आप लोग कहानी को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ आजकल आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। एंड में कहानी का मैं तरीका बताता हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी इस तरह की कहानी सेंड करें। लेकिन गिला है, इतनी सच्ची मज़ेदार कहानी आपने भेजी है, आपने अपना नाम नहीं लिखा, आपने शुरू कहाँ से किया? ऑफ कैमरा स्टोरी, तख्ते हज़ारा यानी रांझे का गांव, हीर रांझे का गांव, मंडी बहाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और लव यू सो मच सर जी। ये कहानी मेरे वालिद साहब की ज़ुबानी। मेरे वालिद साहब का नाम रियासत अली है, ये उनका रियल नाम है उनके वालिद साहब का। यहाँ पे आपने बाकी ये मेंशन कर दिया कि उनके दोस्तों का नाम जो है वो आप फर्जी रख लें, आपने फर्जी नाम भी बता दिया, वेरी गुड। आप अपना भी तो बताते कि आपका नाम क्या है, और अगर आप चाहते थे कि मेरा नाम फर्जी कर दें या मेरा नाम ना बताइएगा, ये मेंशन ज़रूर कर देते। खैर, तख्ते हज़ारा यानी हीर रांझे की कहानी सबने सुनी होगी, मोहब्बत की दास्तान, सस्सी पुनू, हीर रांझा, लैला मजनू, इन्हीं दास्तानों में से एक दास्तान हीर रांझा, मोहब्बत की दास्तान, वहाँ की एक खूबसूरत कहानी है। अभी पाकिस्तान को बने कोई 15-20 साल ही हुए थे तब की ये कहानी है। अब इनका नाम मुझे नहीं पता, तो इनके वालिद साहब का जो नाम है यहाँ पे रियल लिखा गया है रियासत अली, और बाकी दोस्तों के तीन नाम हैं अकरम, अल्लाह दित्ता, बूटा, ये तीनों नाम बकौल उनके ये फर्जी हैं। वो कहते हैं जी, मेरे वालिद रियासत अली, उनके दोस्त बूटा और अलादिता और अकरम, जहाँ पे ये चारों दोस्त थे, नौजवान थे, वहीं मेहनत मजदूरी करते और जो भी दिहाड़ी से पैसे मिलते वो अपने घर लेके आते। उन दिनों में ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाते थे, स्पेशली ये तीन दोस्त रियासत अली, बूटा और अल्लाह दिता, ये अपने गांव के इर्द गिर्द के जितने गांव होते वहाँ तक महदूद रहते ये अपने गांव में, क्योंकि उन दिनों में काम भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता था, तो किसी दूसरे गांव में भी इनको जाना पड़ता काम के सिलसिले में, तो ये दूसरे गाँव में भी जाते। लेकिन उनमें जो सबसे तेज़ तरार, होशियार, मिलनसार, इस अंदाज में कि लफ्ज़ों को दूसरों को अपने लफ्ज़ों में उलझा ले, बातों में उलझा ले, वो अकरम था। इन चारों में से बहुत तेज होशियार था। ये तीनों दोस्त ऐसे थे, रियासत अली, अल्लाह दिता और बूटा, जो अपने काम से काम रखते, जहां मजदूरी मिलती वहां पे जाते और अपने काम में जुट जाते, सारा दिन काम करते और जब छुट्टी होती अपनी रकम लेते और घर आ जाते। लेकिन अकरम इन दोस्तों में से एक ऐसा शख्स था जो काफी दूर शहरों तक चला जाता था। शहर में मज़दूरी भी बहुत ज़्यादा मिलती थी बनिस्बत गाँव के, और वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा होता था। गाँव में ये होता था कभी काम मिल गया और कभी काम नहीं मिला। मैं आप लोगों से भी जो कहानी सुन रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान ऐसे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे मज़दूर तबका पाया जाता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनका ख़ास ख्याल रखा करें। ये वो लोग होते हैं जो मेहनती होते हैं, मेहनत करके बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि इनको रोज़ी नहीं मिलती। अक्सर ऐसा होता है कि ये सुबह सुबह जाके मजदूरी के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी इनको मजदूर के तौर पे नहीं लेके जाता, और जब शाम को घर लौटते हैं तो उस दिन की दिहाड़ी इनके हाथ में नहीं होती, तो बच्चे बीवी मुंतज़िर होते हैं।
और ये सर झुकाए घर में दाखिल होते हैं, देने को कुछ नहीं होता, इनका ख्याल रखा करें। फ्रूट, कोई खाने पीने की चीज़ें, कुछ सामान इनको पकड़ा दिया करें। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। 15 साल ही हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, ये दो अलग जगहें बन चुकी थी। जहां दोनों एक ही मुल्क थे, वहां अब अलग अलग, एक इंडिया एक पाकिस्तान था। तो 15-20 साल कहते हैं, सही याद नहीं है। तो ये तीनों दोस्त मजदूरी करते कमाते, वहीं पे उनका दोस्त अकरम शहर गया, वहां पे सरकारी लोगों के साथ उसका उठना बैठना मिलना गपशप हो गई इस अंदाज की कि जब वो गांव आया तो तीनों दोस्तों को बुलाया और उनसे मुखातिब हुआ कि मेरी सुपरवाइज़र के साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई है। और उन्होंने बताया है कि हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर के फासले पे एक नहर बन रही है, सरकारी नहर, और बहुत लंबी नहर है, ये बहुत दिनों तक ये काम चलता रहेगा। तो उनको मजदूर चाहिए थे, तो मैंने उनको कहा कि मेरे तीन दोस्त हैं, आप उनको काम पे रख लीजिए। मैंने आप तीनों को सिफारिश की है, तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया है और उन्होंने कहा है ठीक है अपने दोस्तों को ले आओ, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। सबसे बड़ा इस मजदूरी की नौकरी का फायदा यह होगा, हम जो मजदूरी करते हैं, जाते हैं दिन को काम करते हैं, वापस आ जाते हैं, अगले दिन का पता नहीं होता काम मिलेगा नहीं मिलेगा। यहां पे सरकार ने इस तरह के मजदूर ढूंढने की कोशिश की है जिनको पूरा हफ्ता वो काम देंगे। जुमेरात वाले दिन आधा दिन होगा लेकिन पैसे पूरे दिन के मिलेंगे और जुम्मे की छुट्टी भी देंगे। आप अपने घर चले जाएं, घर वालों से मिलें और हफ्ते को आप वापस आ जाएं। 3 टाइम का खाना और रिहाइश भी सरकार के जिम्मे होगी और रोजाना की दिहाड़ी इतनी मिलेगी। वो तीनों खुश हो गए, ये एक अच्छी ऑफर थी। जिस तरह उन्होंने सुन रखा था कि शहर के अंदर मजदूरी करते हुए पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो वही ऑफर उनकी दोस्त अकरम उनको दे रहा था और उसने दोस्ती का हक अदा किया था कि उनके लिए भी ऑफर लेके आया था, उनके लिए नौकरी निकाल के लाया था। चारों दोस्त तैयार हुए और तैयार होके उन दिनों में तांगे चलते थे सवारी के तौर पर, वो तीनों तांगे में चारों सवार हुए और मंजिल मकसूद पर पहुंचे। उनको रहने के लिए वहां पे कैंप दिए गए, सुपरवाइजर उनसे मिला क्योंकि सुपरवाइजर ने डिमांड की थी जो भी काम करने वाले सेहतमंद और मेहनती नौजवान चाहिए। उन्हें तीनों दोस्तों की, अकरम उनको लेके आया था, सुपरवाइजर ने तीनों के जिसामत को देखा और कहा जिसामत से तो लगता है ये काफी मेहनती हैं, आप देखते हैं काम कैसा करते हैं। रहने के लिए दो दो बंदों के लिए एक कैंप का एहतमाम किया गया था। वहीं नहर के किनारे जहाँ पे नहर बनाई जा रही थी, साइड पे जो दरख्त लगे हुए थे, हर दरख्त के नीचे एक कैंप लगा हुआ था। एक कैंप के अंदर दो लोग सोते थे, मैस का एहतमाम होता था, वहाँ पे फौजी भी थे और मैस का जो एहतमाम होता था उसमें 3 टाइम का खाना, सब लोग वहाँ पे पहुँच जाते, खाना खाते, नाश्ता दिन का और रात का खाना खा के अपने अपने उस कैंप में जो दरख्त के नीचे लगा होता जाकर सो जाते। पहला दिन था, तीनों दोस्तों ने काम किया, अकरम का तो वो काम पहले ही सुपरवाइज़र देख चुका था, तो इनके काम को देख के सुपरवाइज़र खुश हुआ कि नहीं सही कहा था अकरम ने, ये वाकई मेहनती लोग हैं। काम किया, 3 दिन का खाना खाया, रात का खाना खा के अपने अपने कैंपों में चले गए। इसी तरह एक कैंप में बूटा अल्लाह दीता और एक में अकरम और रियासत अली थे। मैं नाम ही आगे पीछे कर सकता हूँ, मे भी तरतीब आगे पीछे जाए, लेकिन दो दो ही रह रहे थे कैंप में। अल्लाह दीता और अकरम एक कैंप में थे, बूटा और रियासत अली एक कैंप में थे। काम करते रहे, सुबह उठते काम करते, दिन का खाना खाते, शाम को काम ख़त्म करके रात का खाना खा के सो जाते। वहीं पे बाथरूम वॉशरूम का उस वक्त एहतमाम नहीं होता था, साथ ही जितने भी खेत थे तो ये तमाम जो मजदूर थे उन खेतों में चले जाते हाजत के लिए, अपनी हाजत पूरी करते और वापस आ जाते। लेकिन
चारों दोस्त बहुत ज़्यादा खुश इसलिए थे कि मुस्तकिल तौर पे उनकी नौकरी लग गई थी और उनके दोस्त ने उनको काम पे रखवाया था, उसका कहीं गिला ना हो, उसका नाम ख़राब ना हो, तो वो बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे थे, जिससे सुपरवाइज़र बहुत खुश हो गया था कि वाकई बंदे गांव के ये ढूंढ के तुलाया है अकरम, लेकिन मेहनती लोग हैं। एक रात रियासत अली अपने कैंप से बाहर निकले, टाइम होगा कोई 11-12 का, वो चलते हुए खेतों में गए हाजत के लिए। उन दिनों में आबादी बहुत कम थी, अभी नहरें बन रही थीं, तरक्याती काम अभी शुरू भी नहीं हुए थे, तो लोग ज़्यादातर लालटेन दिया जलाते थे, बिजली कहीं कहीं पे थी, हर जगह पे बिजली भी नहीं थी। रियासत अली बताते हैं कि मैं चलता हुआ खेतों के बीच में गया, साइडों पे ज़मीनें थीं लेकिन जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उगी हुई थी वहाँ पे हम इस अंदाज़ में जाके अंदर बैठ जाते कि किसी को नज़र ना आए और इंसान अपनी हाजत पूरी करके हम लोग जाके कैंप में सो जाते। उस रात मैं जैसे ही निकला, मैं जाके बैठा तो एकदम से मेरे कानों में आवाज़ आई। एक रात का टाइम है जहाँ पे हर तरफ अंधेरा है, सब सो रहे हैं अपने अपने कैंप के अंदर, अगर कोई मेरी तरह इक्का दुक्का कोई उठा है हाजत के लिए तो वो दूर दूर, क्योंकि वो जो कैंप लगे हुए थे लाइन के अंदर, वो जो लंबी सी नहर थी उसके साथ में दरख्त थे, हर दरख्त के नीचे कैंप था, तो दूर तक कैंप ही कैंप लग चुके थे, तो कोई भी अगर उनमें से उठता तो वो ज़मीनों में चला जाता, और मैं भी उन्हीं में से एक था जो हाजत के लिए ज़मीन में जैसे ही जाके बैठा तो एकदम से आवाज़ आई जैसे बहुत ज़्यादा घोड़े हैं जो दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी उनका फासला मुझसे काफ़ी दूर है, लेकिन तादाद में इतने ज़्यादा हैं और इतने तेज़ी से उनके दौड़ने की आवाज़ आ रही है कि मैं एकदम से डर सा गया कि रात के इस पहर घोड़े ये कहाँ से आ गए हैं, सब खैर तो है, क्या हुआ है। तो कहते हैं मैंने अपना सर उठा के ऐसे बाहर की तरफ देखा तो मुझे कुछ भी नज़र ना आया, तो मैं एकदम से ज़रा घबरा सा गया कि दौड़ने की क्लियर आवाज़ आ रही है, नज़र कुछ नहीं आ रहा, क्या मंज़र है। मैं खौफज़दा हुआ, शायद घोड़े मुझसे काफ़ी दूर थे, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में ऐसी घबराहट सी हुई, मैं जल्दी जल्दी उठा और मैं अपने कैंप में चला गया। बज़ाहिर तो ये एक नॉर्मल सा वाक़या था कि आपके घोड़ों की उन दिनों में घोड़े बहुत ज़्यादा सवारी ही, जिस तरह मैंने कहा तांगा रेडी थी, घोड़े थे, जो अमीर लोग होते थे वो अपने घोड़े पे सवार होके आते और जो गरीब थे वहाँ उनके लिए सवारी तांगा रेडी होती थी, जहाँ वक्त के साथ वैगनें चलीं फिर बाद में बसें चलीं, तो उस वक्त तांगा ही होता था सबसे बड़ी सवारी, जो शाम होते ही बंद हो जाता था और रात को आपको पैदल सफ़र करना पड़ता था। वो अपने कैंप में, रियासत अली अपने कैंप में गए और जाकर लेट गए। कुछ दिनों के बाद यही वाकया उनके एक और दोस्त के साथ भी हुआ। वो भी हाजत के लिए बैठा हुआ था कि उसको भी ऐसी ही आवाजें आईं जैसे बहुत ज्यादा घुड़सवार हों, दौड़ते हुए घोड़ों को दौड़ाते हुए तेजी के साथ करीब से करीब आते जा रहा हूं, और घोड़ों की दौड़ने की आवाज ऐसी थी कि उनका दोस्त भी सुन के ऐसा घबराया और वो भी जल्दी से अपने कैंप में चला गया। लेकिन वहीं उनमें से बूटा ऐसा था कि वो अपनी हाजत के लिए एक रात बैठा हुआ था, बाकी दोनों दोस्तों ने इस बात का जिक्र नहीं किया था, बूटा इस बात से वाकिफ नहीं था, वो हाजत के लिए बैठा हुआ था कि उसको आवाज़ आई, उसी तरह घोड़ों की शोर है, लेकिन उस रात घोड़ों के शोर के साथ जहाँ पे घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे उनके दौड़ने की आवाज थी, वहीं पे चीखो पुकार की आवाज भी आनी शुरू हो गई। ऐसे था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने कहा कोई होगा मुझे क्या, बाकी दोनों दोस्त उठ गए थे, पहले पहले रियासत अली थे वो जल्दी से चले गए, दूसरे दोस्त को भी घोड़ों की आवाज आई, साथ में चीखने की भी आवाज आई, वो भी डर के चले गए, लेकिन जो ये था वहां पर बैठा रहा बूटा। इसने कहा मुझे क्या, यहां तक कि वो आवाज बिल्कुल करीब आती जा रही थी। जब आवाज इतनी करीब आनी शुरू हो गई कि बूटे को महसूस हुआ कि मैं अनजान बन के बैठा हुआ हूं, लेकिन आवाज बहुत करीब आ गई है, घोड़े भी बहुत ज्यादा हैं और किसी औरतों के चीखने की आवाज आ रही है, मंजर क्या है मैं देखूं तो सही,
तो उसने सर निकाला और सर निकाल के जब झांका तो उसके बिल्कुल सामने थोड़े ही फासले पे काफ़ी घुड़सवार मौजूद थे। उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे जैसे नकाब किए होते हैं। पहले दौर में जो नकाब होता था वो पटका बांधते थे, बड़ी सी पगड़ी बांधते थे, पगड़ी बांध के उसका एक हिस्सा मुंह के ऊपर डाल लेते थे। उन सब ने ऐसे ही पगड़ी बांधी हुई और उससे अपने मुंह को छुपाया हुआ, और उनमें से एक शख्स के हाथ में तलवार थी जो आगे आगे था। उससे पीछे जितने भी घोड़े थे सबके हाथों में तलवार थी और वो तलवार लेके उस औरत के पीछे भागते हुए आ रहे थे, जो औरत उनके आगे भागती हुई आ रही थी। और जैसे ही उसने सर उठाया बूटे ने, उसने क्लियर मंजर देख लिया कि घोड़ों की लाइन है आगे पीछे जो दौड़ाते हुए अब करीब पहुँच चुके हैं, हाथों में तलवारें हैं और एक शख्स जो घोड़े पर सवार है उसके हाथ की चमक, जो तलवार की चमक थी उसने वहीं से ही बूटे ने देख ली कि उसने हाथ पीछे किया ज़ोर से, अब उस औरत के करीब पहुंच गया था। औरत दौड़ती हुई कभी पीछे देखती, मदद के लिए पुकारती, चीखों पुकार करती, फिर पीछे देखती कि वो मेरे सर पे पहुंच गया है। जब उसने देखा वो बिल्कुल मेरे करीब आ गया है, जैसे वो दौड़ ही ना सकी, पहले पूरी कुव्वत लगा के वो दौड़ती हुई आ रही थी, मुड़ के देखा ये तो मेरे सर पर पहुँच गया है, लेकिन अभी मुड़ी ही थी कि उसका हाथ चला और तलवार से उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। उसकी आंखों के सामने ही इतने जोर से वार हुआ उसकी गर्दन के ऊपर कि उसकी गर्दन फुटबॉल की तरह उड़ती हुई नीचे जा गिरी और धड़ जिसमें से खून बह रहा था कुछ देर वहीं पे खड़ा रहा और धड़म से औरत का धड़ जमीन पे गिर गया और वह घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए। एक बहुत ही खौफनाक मंजर था जो बूटे ने देखा था। एक औरत के सर को तन से जुदा कर दिया गया था। वो चीखें मारना चाहता था जिस वक्त उसने वो मंजर क्लियर देखा कि जब उसके सर को उड़ाया गया तो धड़ वहीं पे खड़ा हुआ था और धड़ के अंदर खून के फुहारे निकल रहे थे, सर दूर पड़ा था, तो वो चीखें मारना चाहता था लेकिन उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया कि अगर मैंने चीख मारी तो ये सुन लेंगे, उसके बाद अगली बारी मेरी होगी, ये घुड़सवार मेरे सर को उड़ा देंगे, जिनके वो चेहरे नहीं देख सका था। वो छुप गया और जब घोड़े आगे बढ़ गए तो वो तेजी से दौड़ा और दौड़ता हुआ कैंप में पहुंचा। दोनों कैंप के दोनों को साथियों को जगा दिया, अकरम को, अल्लादिता को, रियासत अली को। वो घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दोस्तों को उसने बताया तो वो परेशान हो गए कि क्या हुआ। रियासत अली ने पूछा क्या हुआ तो बूटा बोला डरते डरते मैंने यह मंजर देखा है। बहुत ही खौफनाक मंजर था जो मैं अभी देख के आ रहा हूं। बहुत कांप रहा था, बहुत डरा हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, वो समझ तो चुके थे उसको देखते ही कि वो डर चुका है। बूटा बोला सुपरवाइजर को जगाओ, उसको बताते हैं कि इस औरत का कत्ल हो गया है। तो वो बोले इस वक्त बताना ठीक नहीं होगा, वो लोग कहीं अगर मौजूद हुए तो हो सकता है हमारे ऊपर भी हमला ना कर दें। हम सुबह होने तक का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही सुबह होगी हम इसको देखेंगे और उसके बाद सुपरवाइज़र को हम बता देंगे, इस वक्त बताना ठीक नहीं है। तो वो चारों दोस्त उस वक्त सो ना सके, एक ही कैंप में बैठे रहे, डरते रहे कि बूटे ने जो कुछ बताया था सबको खौफजदा कर देने वाला था, कि औरत का कत्ल हो गया था। और जैसे ही सुबह होने लगी, अभी सब उठे नहीं थे लेकिन उजाला होना शुरू हो गया था, अब उठने ही वाले थे, उन कैंपों में सोए हुए तमाम मजदूर और दूसरे फौजी भी, ये चारों दोस्त बाहर निकले और बूटे से कहा दिखाओ किस साइड पर ये औरत है जिसका धर और सर अलग पड़ा है। ये चलते हुए गए उसी जगह पे जहाँ पे उसको कत्ल किया गया था, जहाँ पे उसका धड़ गिरा था और वो औरत गिरी थी। वो ढूंढते रहे लेकिन कहीं पे भी ना ही कोई सर मिला और ना ही कोई धड़ मिला। अच्छा खासा एरिया ढूंढ लिया लेकिन कहीं पे भी उस औरत का वजूद नहीं था। एक छोटा सा एरिया ही था जहाँ पे कैंप के सामने ही वो तो चल के गया था। तो उन चारों ने ढूंढ लिया, अगर औरत कटी हुई पड़ी होती तो कैसे हो सकता था वो उनकी आंखों से ओझल रहती। उन्होंने कहा बूटा देखा ना, अच्छा किया हमने रात को सुपरवाइजर को नहीं जगाया, तेरा वहम था, तू डर गया है, तेरा ख्याल था, यहाँ पे कोई लाश नहीं है, कोई कत्ल नहीं हुआ। हम उस वक्त सुपरवाइजर को जगा लेते हमारी भी क्लास हो जाती, कुछ भी नहीं है, वहम था, तू डरा है।
लेकिन वहीं पे रियासत अली बोले, अल्लाह दीता बोला कि यार घोड़ों की आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी, मैंने किसी को बताया नहीं, मैं डर गया था। तो रियासत अली बोले, हाँ मैंने भी यही सेम आवाज़ें सुनी थी। फ़र्क ये था, रियासत अली बताते हैं कि जब मैंने आवाज़ें सुनी थी तो उस वक्त सिर्फ घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ थी, और अल्लाह दीता ने बताया कि जब मैंने आवाज़ सुनी थी घोड़ों के दौड़ने की तो उसके बाद मुझे औरतों की चीखों की आवाज़ आई थी। लेकिन अकरम कह रहा है कि मेरे साथ तो ऐसा कोई वाक्या नहीं हुआ। बहरहाल हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया, मजदूरी में लग गए, लेकिन सेम यही वाकया अकरम के साथ पेश आया। अकरम उसी तरह हाजत के लिए बैठा हुआ था कि उसको घोड़ों की आवाज़ जो पहले नहीं आई थी, आज रात उसको घोड़ों की क्लियर आवाज़ आई, चीखों पुकार की आवाज़ आई, और वही मंजर जो बूटा ने उसको बताया था उसकी आंखों में आ गया, क्योंकि अभी तक उसके कान सुन रहे थे। डरते डरते छुपके उसने बाहर झांका तो सेम वही मंजर था। घुड़सवार थे, हाथों में नंगी तलवारें थी, चमकती हुई तलवारें, चांदनी रात में उनकी चमक बताती थी, जैसे ऐसा तेज़ किया गया है उनको कि एक वार करेगा और गर्दन उड़ा देगा। और औरत मदद के लिए भागती हुई जा रही थी, और ऐसा ही हुआ कि उसने देखा अकरम ने कि उसने तलवार चलाई, और सेम उसी तरह जिस तरह बूटे ने बताया था उसकी गर्दन कट के दूर जा गिरी, उसका धड़ एक जगह पे कुछ देर के लिए खड़ा रहा, खून उबलता रहा, यहां तक कि वो गिर गया। अकरम समझ गया वो बूटे का वहम नहीं था, इसका मतलब है बूटे ने देखा था। वो भी छुप गया कि ये लोग इधर उधर हो जाएं और मैं भागूं अपने कैंप में चला जाऊं। और जब वो घुड़सवार आगे बढ़ गए तो वो भी भागा और अपने कैंप में चला गया। सुबह उठ के दोस्तों को बताया कि हाँ मैंने भी वो मंजर देखा है, बूटे का वहम नहीं था, ऐसा कुछ है। तो वहीं पर उन दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि एक बहुत अच्छा काम मिला हुआ है, पता नहीं और लोग भी इसको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। हम चारों में से दो ने वो मंजर देख लिया है, बाकी दो ने आवाज़ें सुन ली हैं, इसलिए हमें खामोशी से अपने काम से काम रखना चाहिए, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। अकरम बोला कि अगर हमने इसको डिस्कस किया तो हमारी छुट्टी हो सकती है, खौफ व हरास फैल सकता है, कोई और बताए, हमें इसको नहीं बताना। वो लोग अपने काम पे लगे रहे। अब उनको आवाज़ें आती थीं लेकिन वो छुपे रहते थे, बाहर नहीं झांकते थे, कोशिश करते थे रात को बाहर जाए ही ना। वक्त गुजरता रहा, अब बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था, काम कुछ अरसे के लिए बंद करना था। बारिशें रुक जाती तो उसके बाद फिर से काम शुरू हो जाता। तो उन्होंने कहा अभी सब जितने भी मजदूर हैं उनको छुट्टी दी जाती है, कुछ अरसे बाद उनको वापस बुला लिया जाएगा। यूं सब के सब अपने अपने घरों को वापस लौट के रियासत अली ने इतने पैसे वहाँ से कमा लिए थे कि घर जाते ही उसने उन पैसों से अपनी साइकिल खरीद ली। अकरम पहले ही साइकिल का मालिक था, क्योंकि वो शहर जाता था, पैसे कमाता था, उन तीनों दोस्तों से ज़्यादा उसने पैसे कमाए हुए थे, उसके पास पहले से साइकिल थी। अब रियासत अली ने भी अपने लिए साइकिल खरीद ली। उस दौर में साइकिल खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी, किसी किसी के पास साइकिल होती थी, हर बंदे के पास साइकिल नहीं होती थी। अब इतने महीने मजदूरी करने के बाद रोज़ क्योंकि मजदूरी मिल जाती थी, वो वाकई जिस तरह अकरम ने कहा था सुबह दोपहर शाम खाना भी मिल जाता था और रात को उसी वक्त सबको मजदूरी भी दे देते थे, तो अपने पैसे जमा करता रहा था रियासत अली, और आते ही उसने अपने लिए सवारी खरीद ली। कुछ अरसा वो घर रहे और कुछ अरसे के बाद अकरम फिर उनके पास आया और कहा काम फिर से चालू हो गया है, सुपरवाइज़र ने तुम लोगों को फिर से बुलाया है, मुझे कहा है अपने उन तीनों दोस्तों को लाजमी साथ लेके आना, मैं उनके काम से बहुत खुश हूँ, मैंने उनका काम देखा है, वो बहुत ही मेहनती हैं, वो तुम्हारे काम से बहुत खुश है, तैयारी पकड़ो आज हमने जाना है। वो तो तीनों देश अकरम के कहने पर तैयार हो गए और शाम को वो वहाँ से रवाना हुए। अब जब उस स्टॉप पे पहुँचे जहाँ पे आज वैगन और बस का स्टॉप होता है, वहाँ उस दौर में तांगे का स्टॉप होता था, तांगा मौजूद होता था। वहाँ गए तो तांगे ज़्यादातर जा चुके थे, शाम हो गई थी, वहाँ पे सिर्फ एक तांगे वाला मौजूद था। वो चारों उसके पास गए और उससे बोले कि हमें फलां जगह पहुँचना है। उसने कहा भाई इस वक्त तो शाम हो गई है और मेरे भी जाने का टाइम है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे इतने पैसे लूँगा। वो डबल पैसे मांग रहा था,
वो चारों उससे बहस करना शुरू हो गया कि यार ये तो ज्यादती है, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उसने कहा नहीं, मैं इतनी दूर अब नहीं जाऊँगा, शाम का टाइम है, वापसी मुझे खाली आना होगा, अगर जाना है तो इतने पैसे, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। उन चारों ने फैसला किया कि यार ये बड़ा गलत है, बहुत महंगा काम है, हम एक काम क्यों नहीं करते, एक साइकिल रियासत अली के पास है, एक साइकिल अकरम के पास है, हम चार बंदे हैं, दो दो साइकिल पे बैठते हैं, वहीं पे चलते हैं अपने साइकिलों के साथ। उन्हें कहा यार ये तो ज़्यादा अच्छा है, किराया भी बच जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किराया था तांगे वाला जो ले रहा था, कोचवान बोलते थे जो उस वक्त बस का जिस तरह ड्राइवर होता है, वैगन का ड्राइवर है, तो तांगे चलाने वाले को कोचवान बोलते थे, जिसके हाथ में एक छड़ी होती थी, लंबी सी छड़ी, और उस छड़ी के आगे एक बारीक सा रस्सा टाइप होता था जो निकला होता था, जो उस छड़ी से ऐसे टच करता था तांगे को कोचवान, तो तांगा और तेज़ भागता था। आगे तांगा होता था, उसके पीछे उसकी रेड़ी सी होती थी, जिसका पहिया आज भी लोगों ने देखा होगा, बगी बोलते हैं जिसको, बगी बहुत खूबसूरत बगी होती थी, लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा सा उसका पहिया होता था, तांगे वाला खैर मांगता, कोचवान कहलाता था वो। अब तो ख़त्म हो गए कि तांगे भी कोचवान भी। खैर घर गए वो, उन्होंने जाके अपने अपने साइकिल निकाले, एक साइकिल पे रियासत अली बैठ गया चलाने के लिए, और उसने बूटा को अपने साथ बिठा लिया, उधर अक्रम ने अपने साइकिल पे अलादीता को बिठा लिया, और यूं चारों दोस्त रवाना हो गए। शाम का टाइम था, चलते चलते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था, चलते चलते ये उस रास्ते से उस जगह पर पहुँच गए जहाँ नहर का रास्ता शुरू होता था। ये जैसे ही उस रास्ते पे पहुंचे तो चारों दोस्त तकरीबन इकट्ठे ही साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, उन दिनों में लालटेन और दिए होते थे जिस तरह मैंने बुलाया था, तो ये अपने साइकिल के साथ भी लालटेन बांधते थे रोशनी के लिए। कि उस रास्ते पे जैसे ही पहुंचे तो उनकी निगाह जिस मंजर पे पड़ी, सामने जो मंजर था, तो वो सारे एकदम से ब्रेकें लगा के साइकिल की वहां पर रुक गए। आबादी उन दिनों में नहीं थी जिस तरह मैंने कहा, आबादी बहुत कम होती थी, रश बहुत कम होता था, आज तो हर तरफ आबादी है, जहाँ पे भी जाएं आपको मोबाइल लिए कोई ना कोई नज़र आ जाएगा। उन दिनों में दूर दूर तक आबादी नहीं होती थी, वीरानी होती थी, इसलिए रातों को लोग कम निकलते थे, डर लगता था जानवर से आमना सामना ना हो जाए, चोर डाकू से आमना सामना ना हो जाए, अंधेरा है जिन्नात से सामना ना हो जाए, लोग इसलिए डरते थे बहुत ज़्यादा। आज ऐसा ही है, जैसे गांव से निकल के दूर किसी वीराने में आप चले जाएं तो कितना डर लगता है, तो उस वक्त गांव से दूसरे गांव जाना भी जंगल होता था, रास्ते में वीरानी होती थी, और वो भी एक वीरान रास्ते पे खड़े थे, और वीरान रास्ते पे दूर दूर तक उनको पता था कोई बशर कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो मंजर आँखों ने देखा वो बहुत भयानक इसलिए था कि बिल्कुल दरमियान में औरत थी या मर्द, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे या पहना, मर्द था या औरत, उसके हाथ में मोमबत्तियां थी, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था, उसके इर्द गिर्द पांच छह औरतें थीं जिन्होंने गोल दायरा बनाया हुआ था, और उन पांच छह औरतों के वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल कपड़ों के बगैर थीं, नंगा वजूद उनका। वो ठटक इसलिए गए थे कि कैसे गांव की औरतें जो हर वक्त सर पे दुपट्टा करके रहती हैं, गांव की औरतें जो बापर्दा होती हैं, वहाँ पांच छह औरतें गोल दायरे की शक्ल में चलती हुई इस तरह जा रही हैं, बिल्कुल एक बड़ा सा गोल दायरा बना लिया हुआ है, बिल्कुल गुलाई की सूरत में हैं, और किसी भी औरत के वजूद पे कोई कपड़ा नहीं है, और दरमियान में जो शख्स है वो औरत या मर्द उसका चेहरा नहीं देख सके, उसके हाथ में मोमबत्तियाँ हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखे और परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है, ये कौन है रात के इस पहर, अभी गहरी रात नहीं हुई लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया है, मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता था, और अंधेरे में इस तरह औरतों का कपड़ों के वजूद, कपड़ों के बगैर होना, और दरमियान में जो भी है वो समझ गए कोई ये जादू जंतर मंतर या इस तरह का ही कोई मामला हो सकता है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वो चुप सादे खड़े रहे, जैसे कि वो जो भी हैं अभी उस रास्ते पे चढ़े थे, साइड से आके उस रास्ते पे चढ़े थे, सामने ये मंजर था, तो इसलिए रुक गए,
खामोशी के साथ कि उनको जो भी काम कर रहे हैं करने दो, हमारी वजह से कहीं उनको पता लग गया कि चार लोग आगे हैं, उन्होंने हमें देख लिया, हमारी आवाज़ को सुन लिया, तो हमें कुछ ना कह दें। ये कैसे हो सकता है? उनको पता नहीं था, वो जो भी औरतें थीं जो उनके दरमियान में था या थी, उनको पता तो लग गया होगा, लेकिन शायद वो अपने आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि इस अंदाज में थे। एक साइकिल चला रहा था तो जो पीछे साइकिल का कैरियर था उस पर बंदे को बिठाया हुआ था, दूसरे भी ऐसे ही था। रियासत अली साइकिल चला रहा था तो पीछे कैरियर पे उसका दोस्त बैठा हुआ था और वो चारें टिकटिकी बांधे देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही रियासत अली ने और अकनम ने साइकिल की ब्रेक लगाई तो पीछे वाले ने एकदम चौंका कि ब्रेक क्यों लगी, और सामने उनकी निगाह उसी वक्त पीछे वालों की भी निगाह उसी तरफ गई जहाँ पे आगे दोनों ड्राइवर जो साइकिल चला रहे थे रियासत अली और अकरम जाओ मंजर देख रहे थे। पीछे बैठे अलादीता और बूटे ने भी सेम वही मंजर देखा, गोल दायरे में नंगी औरतें आगे बढ़ रही हैं और दरमियान में काले कपड़े पहने कोई आराम से चलता हुआ जा रही है या जा रहा है, और उनकी स्पीड बिल्कुल आहिस्ता थी, चलने का अंदाज ऐसा था बिल्कुल आहिस्ता, लेकिन जो औरतें थी वो खामोशी के साथ चल रही थी। ये ऐसा लगता था जैसे कोई जादुई मंजर हो, किसी शहर में हो, किसी जादू किसी कैफियत में हो, कि जो औरतें गोल बिल्कुल गोल दायरा सा था। इस अंदाज में वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही थी, जैसे ये एक दो एक दो इस अंदाज में कदम रखा जा रहा था, इंतहाई स्लो आहिस्ता आहिस्ता कदम रख के कोई बिल्कुल आहिस्ता से वो चल रहे थे। वो दम सादे खड़े रहे, वो डरे रहे, आगे नहीं बढ़े, और उन्होंने देखा आगे जाके वो राइट साइड को उन्होंने टर्न ले लिया, लेकिन वो रुके रहे कि इतना दूर चले जाएं कि ये रास्ता जिससे हमने गुजरना है उसी रास्ते से ही वो आगे जा रहे थे, उसी रास्ते पे वो पीछे खड़े हुए थे और इंतज़ार में थे कि रास्ता क्लियर हो तो हम आगे जाएं। जब वो राइट साइड को मुड़ गए तो इंतज़ार करने लगे कि काफ़ी आगे चले जाएं फिर हम जाएंगे, और जब वो काफ़ी आगे चले गए राइट साइड को मुड़ के तो फिर ये उसी रास्ते से गुजरे और जब उसी जगह पे पहुंचे जहां पे उन्होंने राइट टर्न ली थी तो उन्होंने मुड़ के देखा वहां पे कोई भी नहीं था। इन्हें साइकिल दौड़ा दी जितनी तेज़ चला सकते थे, साइकिल चलाते चलाते क्योंकि बारी बारी चला रहे थे, क्योंकि एक बंदा चलाते चलाते थक जाता है, तो अगर रियासत अली चला रहा था तो फिर वो थोड़ी देर के बाद वो पीछे आ जाता, जो कैरियर पे बैठा दोस्त था वो आगे आ जाते। इस तरह साइकिल चलाते चलाते उसी जगह पहुँच गए जहाँ पहले से ही अकरम सारे बंदोबस्त करके आ गया था, बात करके आ गया था, क्योंकि तीनों दोस्त का तो मिलना मिलाना इतना था नहीं, अकरम ही सारी डीलिंग करता था, तो अकरम ही गया था सुपरवाइज़र के पास और उनको मिल के आ गया था और उन्होंने कहा था जी काम शुरू हो गया, ले आए बंदों को। अभी जिस जगह भी ये पहुंचे यहाँ पे एक चौधरी साहब थे, उन्होंने सारा ये बंदोबस्त कर रखा था। चौधरी साहब के घर के साथ एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे इस तरह के कनाते लगाई गई थी, जहाँ पे ज़्यादातर फौजी वहीं पर रहते थे, वहीं पर सोते थे, वहीं पर मेस का सारा सामान था, खाना पीना वहीं पर था और वहीं पर पहरा दिया जाता था, ट्रक भी बाकायदा फौजी मौजूद थे। लेकिन इन दोस्तों को और बाकी लोगों को घर दिए गए थे, इनके लिए जिस घर का बंदोबस्त किया गया था ये एक पुराने दौर का किसी हिंदू का बना हुआ दौर था, जो पाकिस्तान बनने से पहले ही वहाँ रहता था और जब पाकिस्तान बना तो इस घर को छोड़ गया था। अब 15-20 साल से ये घर बंद पड़ा था, पुराना घर भी था, काफ़ी पुराना, तो इन चारों के लिए इस घर में रहने का एहतमाम किया गया था। अकरम जानता था इसलिए वो सीधा दोस्तों को लेके पहुँचा। मेन दरवाज़ा उन्होंने खोला, अंदर एक बड़ा सा सहन था, सहन को क्रॉस करते ही आगे दो कमरे थे, एक कमरे को लॉक लगा हुआ था और एक कमरा इनकी रिहाइश के लिए था, नीचे कालीन बिछा दिया गया था, उसके ऊपर इनके बिस्तर लग रहे थे और इन लोगों ने सोना था। साइकिल लेके ये उस मकान में दाखिल हुए तो उन्होंने दरवाजे से दाखिल होते ही दोनों साइकिल दीवार के साथ टेक लगा के खड़ी कर दी, रात हो चुकी थी और वो दोस्त अंदर चले गए, अपने बिस्तर उन्होंने ज़मीन पे बिछाए जो उनके लिए पहले ही रख दिए गए थे, अकरम बंदोबस्त करके आ चुका था, बिस्तर ज़मीन पे बिछा दिए गए, बिस्तर उन्होंने झाड़े और लेट गए, थके हुए थे, साइकिल चला के आए थे, दोनों दोस्त बारी बारी चलाते थे, एक आगे बैठ जाता, एक चलाता था, एक पीछे बैठ जाता था, फिर वो चलाता था, वो पीछे बैठ जाता था। यूं वो चारों सो गए। ये रात का कौन सा पहर था कि चारों दोस्त गहरी नींद सो रहे थे कि उस वक्त अल्लादीता की आंख खुल गई
उस शोर से जो बच्चों का एक शोर था, बच्चे बाहर शरारतें कर रहे थे, दौड़ते फिर रहे थे और उनका शोर आ रहा था। अपने बिस्तर पे लेटे लेटे अल्लाह दीता की आंख खुली, पहले तो हैरान हुआ कि मैं जाग क्यों गया हूँ, मुझे गहरी नींद सो जाना चाहिए था, मैं इस वक्त तक थका हुआ था जब मैं आया हूं, तो मैं इस वक्त जागा क्यों हूं। तो उसी वक्त जब उसको कानों में बाहर के सहन से, क्योंकि बाकी मकान दूर दूर थे, ये एक पुराना बना हुआ घर था, कच्चा बना हुआ घर था जहां वो लेटे हुए थे, तो सहन से उसको आवाज आई कि बच्चे खेलते फिर रहे हैं। वो परेशान हो गया कि ये किसके बच्चे हैं, रात के इस पहर वो भी बच्चे। अल्लाह दिता इन चारों दोस्तों में मजबूत दिल का मालिक था। अगर यूं फैसला किया जाए कि इन चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, तो अल्लाह दिता ही था जो इन चारों में सबसे ज्यादा बहादुर था। वो लेटा रहा, उसने दोस्तों को जगाया नहीं कि ये थके हुए हैं, सो रहे हैं। बाहर अगर कोई बच्चे रात के इस टाइम है तो इंसानों के बच्चे तो हो नहीं सकते, कि रात के इस पहर इंसानों के बच्चे क्या करने आएंगे। और अगर इंसानों के बच्चे हैं या कोई और मखलूक है, मुझे इससे क्या लेना देना, दरवाज़ा तो बंद है, हम अंदर महफूज हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद करके हम सो रहे हैं, तो हमें सो जाना चाहिए। कुछ देर वो ऐसे जागता रहा, बच्चों की आवाज़ें मुसलसल इस तरह की आ रही थीं, वो आवाज़ें सुनता रहा, यहाँ तक कि वो भी सो गया। लेकिन जब वो सुबह चारों उठे और बाहर देखा, तो वो साइकिल जिस जगह पे उन्होंने खड़ी की थी, अब साइकिल उस जगह पे नहीं थी, बिल्कुल बाहर का जो दरवाज़ा था उसके पास नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उन चारों को याद था, वो जब इस घर के अंदर दाखिल हुए थे तो मेन दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था, अंदर कोई आ नहीं सकता था, इसलिए साइकिल बिल्कुल दीवार के साथ थी। तो वहाँ से साइकिल किसने हटा के बिल्कुल परली वाली दीवार के साथ नीचे फेंकी हुई थी। वो चारों परेशान हुए कि ये क्या हुआ है, साइकिल को किसने छेड़ा है, अंदर कौन आया है। इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। खैर, वो उठे, नाश्ते के लिए पहुंच के तैयार होके, उन्होंने नाश्ता किया, काम पे चले गए, काम पे दिन का खाना खाया, यहां तक कि असर के बाद वो काम से फारिग हो गए। काम से फारिग होके वो जैसे ही अपने कमरे में आए, तो फैसला किया कि आज इस कमरे की हालत को बेहतर करते हैं, क्योंकि ये पुराना घर था, हिंदुओं के दौर का बंदा हुआ, जो चौधरी साहब ने जिस तरह मुख्तलिफ एहतमाम किया हुआ था रहने का, क्योंकि उन दिनों में जो इलाकों के चौधरी होते थे वो हुकूमत पाकिस्तान की बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि नया नया पाकिस्तान बना था और हर इलाके में एक चौधरी ज़रूर होता था जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, उसके मुजेरे होते थे, उसके नौकर चाकर होते थे, इलाके पे उसका रोब दबदबा होता था, पैसे वाला होता था, तो वो जब भी कोई सरकारी काम होता तो उसमें भरपूर तावन करता था। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, नहर का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा था। तो जब वो यहाँ लोग पहुँचे तो पता लगा इस इलाके के चौधरी साहब ये हैं। जब उनसे मुलाकात हुई सरकार की, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो उन्होंने खुले दिल से कहा था मैं हाज़िर हूँ, जो जो कुछ चाहिए मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये लोग मोहब्बत करते थे, क्योंकि एक मुल्क बना था और अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो करते थे। ये घर इनको दिया गया था। जैसे ही वो असर के बाद आए तो उन्होंने इस घर को देखा, कच्चा सा एक घर था जिसका एक दरवाज़ा था जिससे दाखिल होते, एक बड़ा सा सहन, लेकिन हर तरफ जाले थे, हर तरफ मट्टी थी, धूल मट्टी थी, क्योंकि कितने सालों से ये मकान बंद था, अब शायद इसको खोला गया था, इसके अंदर किसी की रिहाइश नहीं थी। उन्होंने सहन के अंदर सारी सफाई की, काम से थके हुए आए थे लेकिन अब रहना था इस जगह पे, तो सफाई पसंद लोग थे, सारे सहन की अच्छी तरीके से सफाई की और अपना कमरा जिसमें आप कालीन बिछा था उन उस कालीन को हटाया, उस कमरे के अंदर जितने भी पुराने जाले लगे हुए थे कोनों पे सारे जाले साफ़ किए, सारी मट्टी साफ़ की, हर तरफ धूल मट्टी जमी हुई थी, कब से बंद घर पड़ा था, सब कुछ साफ़ किया, चमका दिया उस कमरे को, क्योंकि साथ वाला जो कमरा था उसको ताला लगा हुआ था, बंद था, उसकी उनको ज़रूरत भी नहीं थी, एक कमरा उनके लिए काफ़ी था रिहाइश के लिए, तो उन्होंने उसको कमरे को और सहम को चमका दिया। काम से फारिग होकर वो चारों दोस्त बैठ के गपशप करने, उस दौर में कमरों के अंदर रोशनी का अहतमाम इस तरह होता था कि उस कमरे के अंदर जितनी भी दीवारें होती थी, हर दीवार के अंदर जो ईंटों की दीवार बनाई जाती थी उसमें से एक सुराख इस तरह का बनाया जाता था, जैसे ईंट को तोड़ दिया जाता था, एक ईंट को, दो ईंटों को, जिसकी जगह पर दिया रखने की जगह होती थी। पुराने जितने भी घर बने होंगे आज भी जहां पे मौजूद हैं, काफी लोगों ने देखे होंगे और जो बाहर मुल्क में रहते हैं यूरोप में, उनको अंदाजा नहीं होगा, हर घर के हर कमरे में,
हर दीवार में दिया रखने की जगह इस अंदाज में बनाई जाती थी कि जो ईंट पूरी नहीं आधी ईंट को तोड़ दिया जाता, डिज़ाइन बना दिया जाता, वहीं पे जगह होती, लोग अपना दिया जला के वहाँ पे रख देते, लालटेन को लटकाया जाता था और दीवार के बीच में दिया जला के रखा जाता था। दीवार के बीच में इसलिए रखा जाता था कि वो जो दिए की लौ थी उसमें से जो धुआं निकले तो वो पूरी दीवार को ख़राब ना करे, उतने हिस्से में धुआं लगता रहे और किसी चीज़ को आग ना लग सके, क्योंकि हवा जब चलती थी दिया बुझ जाता था। तो वो जब दीवार के अंदर जगह को बनाया जाता था तो वो इर्द गिर्द से दीवार होती थी, सिर्फ सामने से बुझने का डर होता था, तो अमूमन दिया कम बुझता था। तो उस कमरे के अंदर जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे, कच्चा सा कमरा, उस कच्ची दीवारों के अंदर चारों तरफ हर जगह पे दिए की जगह बनाई गई थी और उनको उन्होंने, चौधरी साहब ने और बाकी ने, दिए भी रात को जलाने के लिए दे दिए थे। जब वो पहले कैंप में रहते थे वहां पे भी वो दिया जला के रहते थे। मगरिब तक वो बैठे रहे, गपशप और सफाई सफाई कर चुके थे, हाथ मुंह धो के बैठ गए। मगरिब की अजान हुई, उन्होंने उठ के वजू किया, नमाज पढ़ी और मेस में खाना खाने चले गए। वहीं पे चौधरी साहब के घर के साथ ही बहुत बड़ा मेस था, वहीं पे फौजी सोते भी थे, उनका खाना भी होता था और वहीं पे बाकी कुछ मजदूर भी कुछ रहते थे। कुछ मजदूरों के आगे रिहाइश बंदोबस्त की गई थी, ऐसे जितने भी मजदूर बुलाए गए थे मुस्तकिल वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसे उनको रिहाइशें दी गई थी। मेस का इन्होंने खाना खाया और खाना खा के फिर ये सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चले गए। लेकिन जैसे ही अपने उस घर के अंदर दाखिल हुए तो दाखिल होते ही ये हैरान रह गए। उनके साइकिल जो बड़े आराम से सुबह गिरे पड़े थे उन्होंने उठा के खड़े कर दिए थे। अब तो जब वो वापस उन्होंने घर जाना था तो इस साइकिल को इस्तेमाल करना था, और तो अभी इनका कोई इस्तेमाल नहीं था। तो दोनों साइकिल इस अंदाज में ज़मीन पर फेंके गए थे जैसे काठ कबाड़ होता है और फेंक दिया जाता है, तो साइकिल के ऊपर साइकिल इस अंदाज में पड़ी हुई थी जैसे किसने गुस्से में उठा उठा के फेंकी हो, एक साइकिल नीचे फेंक दी और दूसरी उठा के उसके ऊपर फेंक दी हो। वो भाग के साइकिलों के पास गए, उनकी तो सबसे बड़ी सवारी वही थी, गरीब लोग थे, बहुत बड़ी बात होती थी साइकिल रखना भी, मतलब पैसा लगता था उसमें उस दौर में। उन्हें जल्दी जल्दी साइकिल उठाया, क्या साइकिल का नुकसान हुआ है, लेकिन बचत हो गई थी, साइकिलों का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जिसने भी गुस्से का इजहार किया था काट कबाड़ की तरह उनको नीचे फेंक दिया था। लेकिन ये क्या, सहन के अंदर सारी मट्टी ही मट्टी थी। वो जल्दी से अपने कमरे में दाखिल हुए तो जिस कमरे के जाले उन्होंने साफ किए थे उस कमरे की दरो दीवार पे मट्टी फेंक दी गई थी, हर जगह पे मट्टी थी, उनके बिस्तर भी मट्टी से भरे हुए थे और हर जगह पे मट्टी मट्टी थी। वो परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। वहां से निकले और चलते हुए सीधे चौधरी साहब के पास गए और उनसे कहा, चौधरी साहब हमारे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा आज ही हमने सफाई की है, थके हारे आए थे, हमने सारी सफाई की है, अब जब अंदर दाखिल हुए हैं हमारे साइकिल भी इस तरह पड़े हुए थे जैसे काट कबाड़ो, मट्टी मट्टी है, सहन के अंदर भी, कमरे के अंदर भी मट्टी फैला दी, हमारे बिस्तर भी मट्टी से भरे पड़े हैं। चौधरी साहब बोले, तुम्हारी किसी मजदूर के साथ लड़ाई या दुश्मनी है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर सोचो, हो जाता है मजदूरों की आपस में जेलसी लड़ाई होती है, तो जब ऐसी जेलसी या लड़ाई हो तो कोई ना कोई इस तरह मट्टी फेंक जाता है। वो बोले, अकरम बोला, चौधरी साहब आप सुपरवाइज़र को बुलाइए और बुला के उनसे हमारी रेपुटेशन के बारे में पूछ लीजिए। आज तक हमने अपने काम से काम रखा है, हमने कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं की, हमारा किसी के साथ कोई पंगा नहीं है, हमारी गारंटी आपको सुपरवाइज़र देंगे कि हम ऐसे नहीं हैं। और सुपरवाइज़र ने कहा, जी बिल्कुल, ये तो अपने काम से काम रखने वाले हैं, तो शरीफ लोग हैं, इनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। अब वो हैरान हुए, तो फिर ये कैसा किसने किया है? चौधरी ने कहा ठीक है, तुम अभी जाओ सफाई करो, रहो, मैं इसका पता लगा लूँगा, ये मेरे ज़िम्मे हो गया, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सारा देख लेता हूँ ये कौन है, ये किसके के पीछे किसका हाथ है, तुम परेशान ना हो, मैं पता लगा लूँगा। चौधरी के मुतमईन करने पे वो चारों चलते हुए अपने घर की तरफ जब जा रहे थे तो उनके दिमाग में भी ये सवाल था कि ये हरकत किसने की होगी, क्यों की होगी। बकौल चौधरी साहब, किसी मजदूर ने की है, हमारी तो किसी मजदूर से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा तो किसी मजदूर से कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर कोई क्यों करेगा हमारे साथ। खैर, वो अंदर आए, उन्हें अपने बिस्तरों को अच्छी तरीके झाड़ा और सोचा कल हम कमरे की सफाई करेंगे, अब रात का टाइम है, इस वक्त तो सफाई नहीं कर सकते।
बिस्तर अच्छी तरीके बाहर निकाल के झाड़े, अच्छी तरीके बिस्तर झाड़ के दोबारा से अपने बिस्तर बिछा दिए, क्योंकि जब वो चौधरी से मिल के आए थे अंधेरा था, आते ही उन्होंने कमरे के अंदर दिया जला दिया था, मिट्टी का बना हुआ दिया जिसमें सरसों का तेल होता था या मिट्टी का तेल होता था, लौ उसमें डूबी होती थी काटन की बनी हुई, और उसको वो माचिस से जलाते थे। दिया जला हुआ था, उन्होंने कमरे की सफाई नहीं की, अपने बिस्तर को झाड़ के दोबारा बिछाया और उस पर सोने के लिए लेट गए और कहा दिया जलता रहे। उन्हें दिया जलता हुआ छोड़ दिया कि कमरे में रोशनी रहे, क्योंकि जो हरकत हुई थी मट्टी फेंक दी गई थी, उसके बाद उन्होंने अंधेरा करना मुनासिब ना सोचा, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो सो गए। उनको सोए हुए कितनी देर हुई थी, क्या टाइम था, किसी को भी नहीं पता कि एकदम एक जनाटेदार ठा करके अकरम के चेहरे पे थप्पड़ पड़ा। वो इतनी जोरदार थप्पड़ पड़ा था कि अकरम को जिसको गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा उसकी तो आंख खुली ही खुली। उसके साथ लेटे हुए तीनों दोस्त बूटा, रियासत अली, अल्लाह दिता भी जाग गए। ये कैसी आवाज थी, ऐसी आवाज जैसे किसी को थप्पड़ पड़ा हो। वो कितना जोरदार थप्पड़ होगा कि खाने वाला तो जागा, जो बाकी लेटे थे वो आवाज सुन के जाग गए। लेकिन मसला ये था इस वक्त दिया कैसे बुझ गया था, कमरे में घुप अंधेरा था और घुप अंधेरे में थप्पड़ पड़ा था। तो जल्दी से बूटे ने माचिस, उसके करीब पड़ी थी, उसने माचिस उठाई, टश करके उसने तीली जलाई और तीली जलाते ही उसने दिया जला दिया। अब वो ये सोचना शुरू हो गए कि दिया कैसे बुझा, हवा भी नहीं है, दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, क्योंकि दिए के अंदर अगर तेल खत्म हो जाए तो फिर तो समझ आता है दिया बुझ जाए, लेकिन अगर दिए के अंदर जब तक तेल है दिया कभी नहीं बुझता था, या दिया बुझता था हवा से या तेल खत्म होने से। तो तेल मौजूद था, हवा भी नहीं थी, दिया कैसे बुझा। वो ये सोच ही रहे थे कि बूटे ने वो दिया जलता हुआ हाथ में उठा लिया ये देखने के लिए कि अभी जिस थप्पड़ की आवाज आई थी अकरम को पड़ा है, किसको पड़ा है, क्योंकि जैसे ही दिया उसने जलाया कमरे के अंदर जब थप्पड़ पड़ा तो अकरम जानता था कि मेरे चेहरे पे थप्पड़ पड़ा है। बाकी तीनों थप्पड़ की आवाज से जागे थे लेकिन ये नहीं उनको पता लग सका था तीनों को कि थप्पड़ किसको पड़ा है, क्योंकि कमरे के अंदर घुप अंधेरा था जबकि कमरे में दिया उन्होंने जलता हुआ छोड़ा था जो जलना ही चाहिए था। बूटे ने जब दिया जला लिया तो पहला सवाल सबके दिमाग में यही आया, दिया क्यों बुझा। और उसने दिया उठा के जब उनकी तरफ किया तो बाकी दो दोस्त, क्योंकि अकरम खड़ा था, दिया उसके हाथ में था, सामने अल्लाह दिता और रियासत अली जो परेशान थे कि थप्पड़ किन को पड़ा है, तो तभी उनकी निगाह पड़ी इस अंदाज में गाल पे हाथ रख के अकरम बैठा हुआ है। वो समझ गए कि थप्पड़ अकरम को पड़ा है, क्योंकि बूटा सामने खड़ा था और वो दोनों परेशान थे। और जब बूटे ने भी देख लिया कि अकरम के चेहरे पे इस तरह हाथ है कि उसको जोर से थप्पड़ पड़ा है, तो वो दिया लेके उसके गाल के करीब आया कि हाथ हटाओ, देखें क्या हुआ है। और जैसे ही उसने गाल से हाथ हटाया तो तीनों दोस्तों ने देखा कि तीन उंगलियां, चार नहीं, तीन उंगलियां, लंबी सी बारीक सी जैसे किसी की उंगली होती है लेकिन लंबी सी, तीन उंगलियां उसके चेहरे पर छपी हुई थी। इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया था कि उसका चेहरा लाल सुर्ख और तीन उंगलियां छपी हुई थी। वो तीनों उनके चेहरे को देख के परेशान हो रहे थे, दरवाजा बंद है अंदर से, कमरे में कोई नहीं हम चारों के अलावा, तो फिर थप्पड़ कैसे पड़ा। तो उसी लम्हे बाहर से एक औरत के कहका लगाने की आवाज आई, और जैसे ही औरत के कहका लगाने की आवाज आई, वो तीनों जो अकरम पे इस अंदाज में झुके हुए थे कि उसके चेहरे के, उसके गाल के उस निशानों को देख रहे थे, औरत के हंसने की वजह से एकदम से अलर्ट हुए और उस तरफ देखना शुरू कर दिया कि दरवाज़ा बंद है लेकिन बाहर एक औरत हंस रही है। तो उसी वक्त अल्लाह दित्ता ने कहा रुको मैं देखता हूँ बाहर कौन है। तो वो चारों बोले, तीनों बोले, ओए पागल हो गया है, रात के इस टाइम तू बाहर जाएगा, छोड़ दे, सुबह उठेंगे, इस वक्त देखने की ज़रूरत नहीं है।
उसने कहा कुछ नहीं होता, डरने की बात नहीं, मैं देखूंगा, क्योंकि इन दोस्तों में बहादुर ताला दिता। तो वो उठ के खड़ा हो गया, दोस्तों ने मना भी किया लेकिन वो फिर भी उठ के खड़ा हुआ। उसने अंदर से कुंडा खोला दरवाजे का, उस दौर में सिंगल दरवाजे नहीं होते थे, हमेशा डबल होते थे, और उसको कुंडी लगती थी। कुंडी किस तरह की होती थी, लोहे की जंजीर बनी होती थी, वो लगती थी। उसने लोहे की जंजीर हटाई, दोनों दरवाजे खोले, और जैसे ही दरवाजे खोले बाहर साइकिल चलने की आवाज आ रही थी। वो तो कहका सुन के बाहर निकला था जिसको दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन जब साइकिल चलने की आवाज दरवाजा खुलते ही बाकी दोस्तों ने भी सुन ली, तो वो भी उनसे भी ना रहा गया, वो भी वो एकदम से अपनी अपनी जगह से उठे कि साइकिल कौन हमारा चला रहा है। उनको लगा कि शायद कोई चोरी कर रहा है साइकिल, या क्या हुआ, मदद की जरूरत थी ना, कि साइकिल चोरी हो रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। वो तीनों भी जल्दी से उठे और पीछे भागे, दरवाजा खुला, अल्लाह दिता जो बाहर खड़ा था वो तीनों भी उसके बाहर जैसे गए, लेकिन मंजर बाहर बहुत ही भयानक था। वही औरत जिसका सर उस तलवार से काटा गया था, जिसका एक ही वार से सर तन से जुदा हो गया था, उसकी वही गर्दन, कटी हुई गर्दन, उसका वही सर साइकिल के पीछे कैरियर पे रखा हुआ था, और सर के बगैर वो औरत साइकिल पे बैठी गोल गोल साइकिल को चला रही थी। उस छोटे से सहन के अंदर वही औरत सेम जिसको अकरम ने भी और बूटे ने भी देखा था, और उसका जिस तरह हुलिया बताया था, उसने बिल्कुल पंजाबी औरतें जिस तरह कपड़े पहनती हैं उस तरह के उसने कपड़े पहन रखे थे, पहले बूटा ने बताया था और बाद में अकरम ने भी सेम उसको कपड़े पहने हुए देखा था, वही कपड़े पहने हुए वो औरत साइकिल चला रही है, लेकिन उसकी कटी हुई गर्दन पीछे कैरियर पर रखी हुई है, और वो गर्दन जो कटी हुई कैरियर पे पीछे साइकिल के रखी है, उसी गर्दन से कहकों की आवाज आ रही है, वो कटा हुआ सर कहके लगा रहा है। वो कैसा भयानक मंजर होगा कि कटा हुआ सर पीछे कैरियर पे, साइकिल के कैरियर पे रखा हुआ है, और वो औरत बगैर सर के गोल गोल साइकिल चला रही है। उन चारों ने जैसे ही ये मंजर देखा उनके मुंह से चीखें निकली, और उसी वक्त वो दौड़ पड़े, चीखे मारते हुए दौड़ते दौड़ते उसी मेस की तरफ गए जो चौधरी के घर के साथ था। तो वहीं पे फौजी पहरा देते थे रात को। उन पहरा देते फौजियों ने जब उनको देखा तो वो एकदम से अलर्ट हो गए, और जब ये उनके पास पहुंचे तो पूछा क्या हुआ। उनको बताया कि इस अंदाज में मंजर है, एक औरत है जिसका सर कटा हुआ है, और वो हमारे घर में साइकिल हमारा चला रही है। फौजियों ने अपने सीनियर को बताया, उन्होंने बंदे इकट्ठे किए, असला उनके पास था, उन्होंने कहा आ जाओ देखते हैं। फौजी अब ये पीछे पीछे आ रहे हैं, वहाँ पे फौजी बगैर डरे, वो कहते हैं असला हाथ में पकड़े, वो बिल्कुल नहीं डरे फौजी, हाथ असला उन्हें हाथ में पकड़ा हुआ है, हम उनके पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे हैं। चलते चलते उस मकान में गए, उन्होंने लात मार के दरवाज़ा खोला उसका, घर का, और अपनी बंदूक सीधी की हुई और कहा कौन है, कौन है, सामने आओ। वो सारे फौजी अंदर दाखिल हो गए, डरते डरते हम भी अंदर दाखिल हुए, तो देखा हमारा साइकिल साइड पर पड़ा हुआ है, अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर वो कमरे के अंदर गए, आवाजें देते हुए कौन है, कौन हो, सामने आओ, पूछते हुए ये वो देखते हुए सारा अंदर गए, सहन में गए, सारे घर का उन्होंने देख लिया, कुछ भी नहीं था, सब क्लियर था। लेकिन एक फौजी बोला जल्दी करो अपना सामान उठाओ यहां से, और वही फौजी उनके साथ अंदर गया, अंदर जाके इनकी मदद कराने शुरू हो गया। इन्होंने अपना बिस्तर सामान जो कुछ भी था इन्होंने अपना उठाना शुरू कर दिया, कहता ठीक है आ जाओ मेरे साथ। इनको लेके वो फौजी उस घर को खाली करा के उधर ही आ गए, उधर ही इनके लिए जगह बना दी गई कि तुम लोग इधर अपना बिस्तर बिछाओ और सो जाओ। इन्होंने कोई बात नहीं की, अगले दिन हुआ तो बात फैली क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया, सुपरवाइजर ने भी बुलाया और पूछा क्या हुआ था, तो माजरा बताया गया कि ऐसा ऐसा हमने देखा, ऐसा ऐसा मंजर था और ये कुछ देखा, और हम डर के भागे, तो हमने फौजियों को आके बताया, तो ये गए हैं, इन्होंने देखा है सारा, क्लियर किया और हमारा सामान लेके आ गया। तो सुपरवाइजर ने कहा चलो ठीक है, वो मकान इतने अरसे से बंद पड़ा था, हो सकता है तुम लोग डर गए हो या तुम्हारा वहम, छोड़ो इसको यहीं पे रहो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वहाँ पे सोने के लिए तो लेट गए, लेकिन वहाँ पे एक नई मुसीबत आन पड़ी कि रात होते ही बूटा, जो उनमें सबसे ज़्यादा डरपोक भी था, कि यहाँ पे सोते हुए आज इनकी पहली रात थी, पहली रात तो वही थी जब वो खैर सुबह होने वाली थी, जिस वक्त वो डरे थे और फौजी गए थे, वो तो ना ही
काउंट करें रात को, अगली रात जो थी, पूटा अपने बिस्तर पे सोया हुआ था कि एकदम से उसकी आंख खुली और इस अंदाज में वो अपने बिस्तर से उठ के पहले बैठ गया और उसके बाद उठ के खड़ा हो गया और जैसे कोई रबोट चलता है ऐसे रबोट की तरह चलता हुआ सीधा वो बाहर की तरफ जाने लगा। पहरा देते हुए फौजी ने देखा कि ये बंदा जिस अंदाज में चलता हुआ जा रहा है, तो उसने उसको आवाज़ दी, वो रुका नहीं। अगर कोई हाजत के लिए वाशरूम के लिए जाता है तो जब वो आवाज़ देते हैं वो रुक जाता है, पूछते हैं हाँ जी, क्योंकि वो पहरा दे रहे हैं, सिक्योरिटी पे हैं, तो आपको तो जवाब देना पड़ता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने फिर उसको पुकारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो तेज़ी से चलता हुआ उसके पीछे गया और जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे वो खुली आँखों से सो रहा है, आँखें खुली हैं लेकिन नींद की सी हालत में है। फौजी ने उसको पकड़ के झंझोड़ा, समझ गया कि ये नींद में चलता हुआ जा रहा है, आंखें बज़ाहिर खुली हैं लेकिन असल में नींद में है। जब फौजी ने उसको झंझोड़ा तो ऐसे जैसे होश में आ गया, जैसे नींद से जाग गया हो। कहाँ जा रहे थे? वो इधर उधर देख के परेशान हो गया, हाँ मैं कहाँ जा रहा था, मुझे तो खुद नहीं पता। उसने कहा पता नहीं, मैं जा रहा था कहीं, जाओ सो जाओ, उसको सुला दिया। लेकिन ये सिलसिला फिर मुस्तकिल शुरू हो गया। अगली रात फिर से बूटा अपने बिस्तर से उसी अंदाज में उठा और उठ के चल पड़ा। तीसरी रात जब फिर से हुआ तो ये माजरा चौधरी तक भी पहुंचा और सुपरवाइजर तक भी पहुंचा कि ये जो बूटा है ये नींद में ऐसे उठ जाता है और नींद में उठने के बाद चलना शुरू कर देता है, इसको झंझोड़ते हैं, बहुत हिलाते हैं, तो ये होश में आता है। तो उन्होंने कहा अगली रात जैसे ही ये इस अंदाज में चले हमें भी बुला लेना है। अगली रात बूटा उसी तरह उठा तो बुला लिया गया चौधरी साहब को भी, सुपरवाइजर को भी, और बूटा जैसे ही उठा रबोट की तरह चलता हुआ आगे जा रहा था तो उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने उसको पकड़ा, झंझोड़ा, और जैसे ही झंझोड़ा तो बाकी दोस्त भी जिसमें अकरम, अल्लादिता और रियासत अली थे वो भी जाग गए और उन्होंने भी पूछा कि ये क्या है, बूटा कहाँ जा रहे थे। वो जब होश में आया जो पहली नींद की सी कैफियत में था, वो बोला मुझे ना एक औरत की आवाज़ आती है, औरत मेरा नाम लेके पुकारती है, बूटे बूटे मेरे पास आओ। और जैसे ही वो औरत मुझे पुकारती है, बूटे मेरे पास आओ, मुझे पता नहीं लगता, मैं एकदम से खड़ा हो जाता हूँ और वो मुस्करा रही होती है, मुझे अपने पास बुला रही होती है, मैं उसके पास जाना शुरू हो जाता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि मैं ख्वाब में हूँ, मैं नींद में हूँ, मैं सोया हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोग जब मुझे झंझोड़ते हैं तो मुझे ऐसे लगता है, झटका लगता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो बिस्तर पर था, ये मैं अब यहाँ कहाँ हूँ। तो उसी वक्त एक फौजी बोला, ऐसे शक का इजहार किया जा रहा था जैसे इनके साथ कोई मसला है, साइकोलॉजिकली मसला है, बूटे के साथ या पहले ही इनके साथ मसला हो चुका है, या औरत की बात करते हैं, ये है वो है, तो ये जिस तरह नींद में कर रहा है कहीं ये नींद में डरते तो नहीं है। तो तभी एक फौजी बोला है, जब उसको अंदाज़ा हुआ कि ये सारे ये समझ रहे हैं कि जिस तरह नींद में उठता है चल पड़ता है, पहले भी ये नींद में डरे, इनके साथ मसला कोई नहीं, ये वहम का शिकार है, ये नींद में डरते हैं, उसने कहा नहीं सर, ये नींद का मामला नहीं है। उस दिन जब ये लोग भागते हुए हमारे पास रात को आए थे मदद के लिए और हम लोग इनको बचाने के लिए वहाँ पे गए थे, तो सर एक बात मैंने नहीं बताई थी, हम लोग अब वहाँ पे गए थे, दरवाज़ा खोल के जब हम अंदर दाखिल हुए थे, हम इर्द गिर्द इधर उधर सब कुछ देख रहे थे कि कौन है, आवाज़ें दे रहे हैं, तो उसी वक्त जिस दरवाज़े के अंदर ये रहते थे, जो कमरे का दरवाज़ा था उसकी मुंडीर जो बनी हुई थी उसकी छत के ऊपर, मैंने क्लियर एक औरत को खड़े हुए देखा था। वो इस अंदाज में हवा के अंदर खड़ी हुई थी, बिल्कुल हवा में खड़ी हुई थी कि उसकी गर्दन लगता था कटी हुई हो, लेकिन आर्जी तौर पे उसको रख दिया गया हो, कटी हुई गर्दन को ऊपर क्लियर दूर से भी मुझे नज़र आ रहा था कि कटी हुई गर्दन है, अलग हुई हुई है, लेकिन इस वक्त सिर्फ ऊपर ऐसे रखी हुई है उसकी गर्दन, और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जबकि उस वक्त कोई भी हवा नहीं थी।
बिल्कुल स्ट्रेट, उसने ऐसे हाथ किए हुए थे, सीधे हाथ किए हुए थे, सीधी खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाल लहरा रहे थे, आंखें बहुत खौफनाक, चेहरा बहुत खौफनाक, उसकी गर्दन कटी हुई थी। और उसको जैसे ही मैंने देखा था तो उसी वक्त मेरी आवाज़ पहली आई थी कि फौरन अपना सामान उठाओ चलो, मैंने ही कहा था। और मैं इनके साथ जल्दी से अंदर गया था, इनका सामान उठवाया था, क्योंकि उसको मैंने फ़ज़ा में उस भयानक खौफनाक गर्दन कटी औरत को, जिसकी गर्दन आर्जी तौर पे उसके धड़ के ऊपर रखी हुई थी, मैंने हवा में लहराते देख लिया था। सर ये ठीक कह रहा है, वहाँ पे औरत है और मैं भी उसको देख चुका हूँ। तब उनको यकीन आ गया, तब उन्होंने बताया कि बूटे ने पहली दफ़ा क्या मंज़र देखा था जब पीछे, क्योंकि जब नहर बनाई जाती है तो नहर शुरू में काम होता है, बनती बनती यहाँ तक हिस्सा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कैंप भी उखाड़े जाते थे, सबको आगे शिफ्ट कर दिया जाता था, फिर एक अगला हिस्सा बनाया जाता था, जब वो नहर का हिस्सा बन गया तो फिर कैंप भी उठाए जाते थे, फिर आगे आप शिफ्ट होते जाते थे। जैसे ट्रेन की पटरी आप बिछाते हैं तो जैसे मुकम्मल होती जाएगी आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे नहर भी जब बनती जाती है तो आप आगे होते जाते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही सिलसिला था। जूं जूं नहर बनती जा रही थी आगे शिफ्ट होते गए थे। लेकिन उन्होंने बताया था बूटा ने कि कैसे पहली दफ़ा उसने ये वाला मंज़र वहाँ पे देखा, और अक्रम ने बताया कि हाँ दूसरी दफ़ा ये मंज़र मैंने देखा, जबकि मैंने समझा था बूटा का वहम है, लेकिन मेरे बाकी दोस्त रियासत और अल्लाह दित्ता ने सिर्फ आवाज़ें सुनी थी घुड़सवारों की। रियासत ने सिर्फ पहली दफ़ा आवाज़ें सुनी थी घुड़सवारों की, जैसे घुड़सवार दौड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह दित्ता ने तो चीखों पुकार भी सुनी थी आवाज़ों के साथ साथ कि घुड़सवार भी हैं, औरतें चीख भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद बूटा ने बकायदा गर्दन कटते हुए देखा था और हम वहम समझे थे, लेकिन मैंने भी ये मंज़र देखा था। और उसके बाद जब हम आ रहे थे साइकिलों पर तो हमने उस रोड पर जब चढ़े थे तो ये वाला मंज़र देखा था। तब उनके दोस्त ने उनको बताया, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर गया, बात भूल गया, जिस वक्त उसको थप्पड़ पड़ा था रात को अक्रम के चेहरे पे और दिया वो करीब करके रोशनी वो देख रहे थे, तो उसी वक्त उनको एक आवाज़ आई थी औरत के हंसने की, तो उसी वक्त उसने बता दिया था अक्रम ने कि यार मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, हाँ मैंने भी रात को बच्चे के खेलने की शरारतें करने की आवाज़ सुनी थी। अभी तक औरत की हंसने की आवाज़ बाहर से नहीं आई थी। उसने उसका था यार जो थप्पड़ वाली बात पे उसने कहा था कल रात को मैंने भी बच्चे की इस तरह हंसने की आवाज़ सुनी थी, शरारतें करने की आवाज़ सुनी थी, और उसी वक्त औरत के हंसने की आवाज़ आ गई थी। तो उन्होंने फिर वहाँ पे एंड पे जो इस तरह मैं बता रहा था उन्होंने बता दिया जी इस तरह हमें बच्चे की आवाज़ आई और फिर औरत की आवाज़ आई, फिर हमने सारा कुछ देखा और हमारी साइकिलें किस तरह गिरी थी। फिर चौधरी साहब को उन्होंने बताया कि हमने जिस तरह आपको बताया था कि आपने कहा कोई मज़दूर तुम्हारे ऊपर दुश्मनी कर रहा है, तुम्हारे बिस्तर पर मट्टी फेंक गया, वो मज़दूर इसका मतलब नहीं था। खैर वहाँ पे उस घर को ताला लगा दिया गया, बाकी मज़दूरों को ना बताया गया ताकि कोई डरे ना, और वहीं यहाँ पे फ़ौजी थे, पहरा होता था, ज़्यादातर वहीं पे थे इसलिए सब सेफ थे। जब ये चारों अपने घर छुट्टी पे गए, जुमे वाले दिन इनको छुट्टी होती थी, अब इतवार को है, पहले फ्राइडे को छुट्टी होती थी, जुमे वाले दिन जब छुट्टी पे गए फ्राइडे को, घर वालों को सारा वाकया बताया तो घर वालों ने जैसे ही वाकये को सुना उन्होंने कहा नहीं, अब तुमने वहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ऐसी मजदूरी को जिसमें जान का ख़तरा हो और वो पता नहीं कौन है कौन नहीं जो पीछे पड़ गई है, नहीं अब तुम नहीं जा सकते। तो उन चारों के घर वालों ने उनको वहाँ दोबारा काम करने से मना कर दिया था। उसके बाद वो फिर काम पे वहाँ नहीं गए, लेकिन दोबारा उनकी ज़िंदगी में उस तरह का कोई भी वाकया नहीं हुआ। ये वाला वाकया उनके साथ उसी जगह पर ही हुआ था जो उनके गांव से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे था, हीर रांझा का गांव। लेकिन बाकी अरसा जितना अरसा भी वो कहते मेरे वाले साहब हयात हैं, रियासत अली जिनका नाम है, वो बाकी उनके जो तीनों दोस्त हैं अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तख्त हजारा में जहां वो गए थे बाकी दो सारे अल्लाह को तीनों प्यारे हो गए, जिसमें अल्लाह दित्ता है, बूटा है और अक्रम है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो कहते हैं मेरे वाले साहब जो हैं रियासत अली वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। दुआ है जी अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, खुशियां दे। मैं भी एक शो था मेरा, मैं यहाँ पे हीर रांझा की जगह पे शो करने के लिए गया था तख्त हजारे पे, वहाँ पे एक रेत का टीला था जहाँ पे ये छुपे थे कुछ अरसे के लिए, वहाँ पे उस टीले पे गए हमने, वहाँ पे पोइट थे मेरे साथ, तो खैर मैंने
वहाँ पे चस्का मेरा प्रोग्राम होता था, मैंने चस्का किया था, हम आवाज़ें दे रहे थे कि यहाँ पे कभी वो दोनों मौजूद थे, मोहब्बत की दास्तान, हीर रांझा, हीरे रांझा, इस तरह की हमने मजाक में आवाज़ें भी दी थी, शो किया था पूरा वहाँ पे। और बहुत पहले की बात है हीर रांझा की वो जगह, तो अभी भी वहाँ पे काफ़ी वीरानी है। वो तो उस दौर की कहानी सुना रहे हैं, अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीरानी है, तो उस दौर में कितना खौफनाक होगा, कितना वीरानी होगी। तो ये थी जी सच्ची कहानी, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वरना मैं उनका नाम भी बता देता। वाले साहब का नाम उनका रियल था जो मैंने रियल बता दिया, जगह भी रियल थी जो मैंने रियल बता दी जो उनके साथ वाकया हुआ। आपकी कोई और भी कहानी हो तो ज़रूर सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा, और इन्होंने भी गलती की, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इसलिए मैं कहता हूँ एंड में ज़रूर सुन लिया करें, एक तो कहानी को लाइक भी किया करें एंड पे, और सुन ज़रूर लिया करें कि कहानी भेजने का तरीका क्या है, क्योंकि आपकी कहानी मेरे लिए बहुत कीमती कहानी है, और मेरे लिए कीमती नहीं है, सुनने वालों के लिए भी बहुत कीमती है, क्योंकि आपकी कहानी को सुन के लोग इन्जॉय करते हैं, उनका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, और आप मेरे लिए लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, लिखते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, तो लोगों को भी खुशी होती है और आपको भी खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि जी आपने मदर साहब हमारी कहानी को बहुत अच्छा सुनाया, बेहतरीन तरीके से सुनाया, मज़ा आ गया। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना किया करें। जिस तरह पहली बात जो मैं कहता होता हूँ, आपने कहानी के शुरू में अपना नाम ज़रूर बताना है। अगर आप रियल नहीं बताना चाहते मुझे बता दें, आप कह दें कि मेरा नाम आप फर्जी ये रख लें, या आप बता दें कि जी मेरा नाम रियल ही बताएं। उसके अलावा जो गांव का नाम है, शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, जो उसमें किरदार हैं उनके नाम हैं, वो भी आपने मुझे सारे रियल बताने हैं, लेकिन आगे ये भी बता देना है कि मैं रियल ही बताऊं, या आप मुझे कोई फ़र्ज़ी नाम भी बता दीजिएगा कि आप ये फ़र्ज़ी नाम रख लें। एक ये शर्त पूरी करनी है। दूसरा, कहानी आप पहले भेज चुके हैं, दूसरी दफ़ा भेजने लगे हैं, पांचवी दफ़ा भेजने लगे हैं, या छठी दफ़ा भेजने लगे हैं, हर दफ़ा आपने तारुफ़ बताना है। ये नहीं है कि आपने पहली दफ़ा तारुफ़ बता दिया, अब वो हो सकता है मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि कहानी शामिल हो चुकी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये मुझे लिख देते हैं जी क्योंकि मेरी पहली कहानी भी थी तो शानी शुरू करते हैं, तो मुझे क्या पता लगता है आपका नाम क्या है। मैं कहानी का नंबर लिखता होता हूँ, आपका नाम नहीं सेव करता होता। तो हर कहानी के शुरू में अपना अपना तारुफ ज़रूर देना है। और दूसरी बात, इसका खास ख्याल रखना है, कहानी लिखी हुई हो तो आपने लिखी हुई कहानी को मुझे सेंड कर देना है, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, रोमन में हो। कहानी जब सेंड कर देनी है तो उसके बाद एक और मैसेज, दूसरा मैसेज अलग से टाइप करना है, जिसमें लिखना है STORY, स्टोरी लिख के आपने वो भी मुझे सेंड कर देना है। पहले कहानी लिखी हुई भेज दें, उसके बाद एक अलग से मैसेज करें, उसमें स्टोरी लिख के भेज दीजिए। और वॉइस मैसेज आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, स्टोरी अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, तो उसमें भी आप लंबा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कीजिए, सेंड कर दीजिए, और उसके एंड में भी STORY लिख के मुझे आप सेंड कर दीजिए। और व्हाट्सअप का नंबर जिस पर आपने सेंड करना है +92313665500। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, +92313665500। और उर्दू में इसको पढ़ेंगे, +92313166555500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।